नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, है ना। और हम लोग के पास बहुत सारे ढेर सारे मैसेज भी आ चुके हैं कई सारे विद्यार्थियों के। तो अगर आपका भी इसमें योगदान है हमारे आपकी सफलता में, अगर हम लोग का भी कुछ योगदान हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या फिर एसएसजी गुरुकुल का जो नंबर है 9696606863, अगर आपका सिलेक्शन हो गया हो, है ना, और कहीं ना कहीं आपको लगता हो कि एसएसजी गुरुकुल ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो जरूर, है ना, अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजेंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर हो या इस कमेंट बॉक्स में हो या फिर कहीं पर भी, ठीक है ना। तो हमने आपसे बताया था कि एक हफ्ते में रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो 655 पदों पर जो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट है ना, वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ठीक है, 655 पदों पर चयन है। तो शारीरिक मानक परीक्षा ये सब हो चुकी थी आपकी, फिर इसके बाद आपका डीवी कह रहे हैं, वो जो मेडिकल था वो भी आपका हो चुका था। चिकित्सा परीक्षा हेतु सफल उक्त 3398 अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा उत्तर प्रदेश के 18 मंडली जनपदीय मुख्यालयों के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, डैश। तो यहाँ पर उनका रोल नंबर फिर आ गया है, यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल यहाँ पर 10 पेजों में उनका रोल नंबर दिया गया है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को। अब पेट 2022 के ही संदर्भ में याद रखिएगा, पेट 2022 से ही आपकी एक और यूपी ट्रिपल एससी ने ही फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकाली। आपको पता है कि पेट 2022 की अर्हता पर ही आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी की 1468 वैकेंसी थी, है ना, फिर ग्राम पंचायत अधिकारी के बाद फिर ये जो एक्सरे टेक्नीशियन 382, फिर डैश प्रवर्तन कांस्टेबल 477, अकाउंटेंट की 530, है ना, इसके बाद जूनियर असिस्टेंट की 5512। अब यहां पर जो फॉरेस्ट गार्ड की 709 पदों पर वैकेंसी जारी की गई थी, अब इसका पेपर होना है, ठीक है ना। अब टोटल बच्चों इसका पेपर होना है, और इसका पेपर लगभग लगभग आपका अगस्त और सितंबर माह में आयोजित किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें अगस्त और सितंबर माह में जारी हो सकती हैं, जैसे आज के पेपर में आया कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक यूपी पुलिस का री एग्जाम हो सकता है, जुलाई के अंतिम सप्ताह तक हो सकता है कि अगस्त में वो भी जाए, और अगस्त सितंबर में ही आपका यूपी ट्रिपल एससी के ये सारे पेपर भी जाएंगे, है ना। और जैसा कि यहां पर दिया गया है वैसे ही पेपर होने की संभावना, यानी सबसे पहले आपका ग्राम पंचायत अधिकारी के पेपर होने की संभावना है, इसके बाद प्रवर्तन कांस्टेबल की, फिर अकाउंटेंट की, फिर इसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट की, और इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की। यानी कि जो 2022 के पैक से जो परीक्षाएं होनी है, है ना, वो लगभग लगभग सितंबर माह के पहले पहले आयोजित की जाने की पूरा आयोग ने पूरा मन बना रखा है, और हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी, है ना, सभी विद्यार्थियों ने भी और बहुत सारे चैनलों के साथ मिलकर, है ना, विद्यार्थियों के फोन मैसेज इन सब के बाद 30 जून के बाद हम लोग यूपी ट्रिपल एससी में सुधार अभियान चलाने वाले हैं, है ना। बहुत सारे कुछ चैनलों ने इसकी शुरुआत कर भी दी है ना, बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारे पास ये फोन किया है, मैसेज किया है कि सर यूपी ट्रिप, उन्होंने बहुत सारी पूरी पीडीएफ बनाकर भेजी है, जो 32 भर्तियां लंबित हैं, है ना, उनके बारे में पूरी भेजी है, जिसमें से 2-3 परीक्षाओं उसमें हटानी पड़ेंगी क्योंकि उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जो अंतिम परिणाम है वो जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें तो आपको यहां देखने को मिलेगा कि जो ये फॉरेस्ट गार्ड वाला एग्जाम है उसका बैच हम लोगों ने जारी कर दिया है ना। तो इस बार जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होगा वो पूरा बदले हुए सिलेबस पर होगा, है ना। तो इसकी जो फीस है वो 999 रुपए है, लेकिन अभी हम लोगों ने इसको कट करके मात्र 499 रुपए कर दिया, क्योंकि अभी रिजल्ट आया है इसका, और अगले एक हफ्ते तक जो भी लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर डाला है, जिनका एग्जाम लगा हुआ है, है ना, उनके लिए फॉरेस्ट्री का सिलेबस अलग से चल रहा है, उसमें फॉरेस्ट्री और बायोलॉजी आने वाली है, याद रखिएगा फॉरेस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस है। तो ये कोर्स जारी हो चुका है और इसको आप अभी एक हफ्ते के भीतर भीतर खरीद सकते हैं। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन भी विद्यार्थियों को सिलेक्शन हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद।